हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। आज मैं आपके लिए एकदम मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, जो सुन के मजा आ जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहाँ का राजा होता है बब्बर शेर। अब हो भी क्यों ना, जंगल का राजा तो शेर ही होता है, पर इसमें कुछ अलग है। ये शेर हमेशा सबको डरा के रखता था, धमका के रखता था, कभी भी मन चाहे किसी का भी शिकार कर लेता था। बहुत घमंडी था। एक बार क्या हुआ, ये सैर करने मजे से जंगल में गया। मैं तो शेर हूँ, मुझे किसका डर, मजे से घूम रहा था। वहीं पता है उसने क्या देखा, वहीं था एक और राजा, पर वो शेर नहीं था, वो था एक इंसान, और था बड़े शहर का राजा, जो था अपने बड़े से आसन पे। और पता है उसका आसन कहाँ था? एक बड़े से हाथी पे। और वो हाथी एकदम ठुमक ठुमक के चल रहा था। उसका आसन भी बड़ा ही सटीक और अच्छा था। शेर की नजर उस पे ऐसे पड़ी जैसे किसी बच्चे की नजर चॉकलेट पे पड़ती है। वो शेर का दिमाग चला, ये राजा आसन पे बैठता है और मजे से घूमता है, वो भी ऐसा वैसा आसन नहीं, हाथी का आसन। शेर ने सोचा, हाथी तो मेरे जंगल में भी है, क्यों ना मैं भी हाथी पे बैठ जाऊं। उसके मन में वो बड़ा सा आसन देखकर लालच उत्पन्न हो गया। उसके मन में आया, मैं भी बैठूंगा और मजे से सैर करूंगा। तो वो फटाफट जाके जंगल में दौड़ मारता है। सारे मंत्री, सारे सिपाही, सारे जानवर सामने आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सारे, जी महाराज बताइए, क्या बात करनी है? राजा कहता है, मुझे एक आसन चाहिए, वो भी बड़ा सा आसन, फटाफट मेरे लिए आसन बनाया जाए। मंत्री पूछता है, राजा जी आसन तो हम बना देंगे, पर आपको किस किस्म का आसन चाहिए? शेर गरज के कहता है, मुझे बड़ा वाला, वो भी बड़े वाले हाथी का आसन चाहिए। मंत्री सोचता है, अब हाथी का आसन बनाना पड़ेगा। राजा गुरर के देखता है उसको, मंत्री क्या सोचते हो? मंत्री कहता, कुछ नहीं राजा जी, अभी झट से लाया, सारे काम में जुट जाते हैं। एक लाया आसन का सामान, एक हाथी को बुलवाता, सारे झटपट झटपट शेर के लिए आसन तैयार करते। क्या था, शेर ने ऐलान किया, उसके लिए आसन रेडी हो गया। जैसे ही आसन रेडी होता, शेर का मन तो जैसे गदगद हो गया, वो तो खुशी में पागल हो गया था। वो कहता, आज तो खुशी से मजे से बैठूंगा इस हाथी पर, फिर देखते हैं वो राजा ज्यादा अच्छा था या मैं ज्यादा अच्छा हूँ। वो तुरंत जाके झट से हाथी पर बैठ जाता है। पर पता है क्या हुआ? अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा आगे तक चलो। हाथी को शेर कहता, थोड़ा चलो तो सही, मैं भी तो देखूं मेरा आसन है कैसा। हाथी कहता, जी महाराज अभी चलता हूँ। हाथी यूं कदम बढ़ाता और दूसरा कदम भी बढ़ाता, पर जैसे ही उसने तीसरा कदम बढ़ाया, शेर का आसन तो डग मग हो गया और यूं फिसलता यूं फिसलता यूं फिसलता। शेर तो यूं 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 करके हिलने लगा और शेर तो धड़ाम से गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? धड़ाम से गिर पड़ा। अब होना क्या था, आसन इतना जो हिल रहा था, जानवरों ने बनाया था ना। शेर जैसे ही गिरा, वो बड़ा सा आसन भी उसके ऊपर गिर गया। पता है क्या हुआ, शेर की टांग टूट गई। शेर की टांग टूट गई। हाय शेर बेचारा चक्कर खाता, हाय मेरी टांग। शेर धीरे धीरे हिल डुल कर उठता, कहता, मैं तो पैदल ही ठीक था, मुझे माफ करो जी,
मैं गलती से उस राजा की देखा देखी में आ गया। तो बच्चों आपको क्या सीख मिलती है? कुछ मिली है तो सोचो जरा और अपने मम्मी पापा को भी बताओ। तब तक मैं भी आपको बताती हूँ। आपको पता है इससे क्या हुआ? शेर ने उसकी कॉपी करी, पर शेर कॉपी करता वहां तक तो ठीक था, पर कॉपी भी किसकी करी? एक इंसान की, और वो ठहरा जानवर। तो एक इंसान की कॉपी करेगा तो काम तो नहीं बनेगा ना। शेर ने बड़ा सा आसन लगवाया, पर जो इंसान का आसन था वो तो मजबूती से बना था और शेर का आसन डगमगाता हुआ। तो इससे हमें सीख मिलती है, कभी किसी की नकल ना उतारना, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अपना दिमाग चलाए, नए नए आइडियाज बनाए, ऐसे ही मेरी कहानी भी सुनते रहे। तब तक ये कहानी शेयर भी करिए, लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। तब तक मैं चलती हूँ, बाय बाय।